सर अक्सर हम बहुत सारे सर्किट्स में देखते हैं कि हीट सिंक्स का यूज़ होता है। अब हीट सिंक्स का यूज़ किस लिए होता है? अगर नॉर्मली बात करें तो हीट सिंक का यूज़ टेम्परेचर को कम करने के लिए लगा होता है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे लॉजिक्स लगे होते हैं जिसकी वजह से हीट सिंक का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मेन लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे रीजनरेटिंग फीडबैक इफेक्ट जनरेट होता है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें हीट सिंक का यूज़ करना पड़ता है। अब ये कैसे काम करता है ये वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ होते हैं वहाँ पे ही हमें हीट सिंक लगाने की जरूरत पड़ती है और अदर मटेरियल्स में यूज़ नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर कोफिशियंट है वो निगेटिव आता है। ये पॉजिटिव कब होता है ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया रखा है, अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करेंगे हम निगेटिव कोफिशियंट की। अब निगेटिव कोफिशियंट कैसे कैसे बढ़ता है, निगेटिव कोफिशियंट बढ़ने का मेन रीज़न क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का, वैसे वैसे उसका जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कम होती जाएगी, इसकी वजह से उसमें जो है करंट वो ज़्यादा कंडक्ट होगी, इसकी वजह से यहाँ पे हमें हीट सिंक्स का यूज़ करना पड़ता है। बट रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस में आप टेम्परेचर को कंटिन्यू बढ़ाएंगे तो वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सो उसको हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वीडियो जाके देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा हीट सिंक्स का यूज़ करना पड़ता है जिसकी वजह से जो हमारा निगेटिव कोफिशियंट है वो ना बढ़े। अब ये कैसे काम करता है ये मैं ग्राफ के जरिए बताने रहा हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है, यहाँ पे मैंने लोड लगा रखा है और जैसे उसके पैरेलल में मैंने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट बोल सकते हैं वो मैंने यूज़ किया है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं या कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैं बता दूँ, वहाँ पे जैसे आपका मॉसफेट, बीजेटी, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें, डायोड, ये सारी चीज़ें जो होते हैं कंपोनेंट्स, ये सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं। सो यहीं पे हीट सिंक्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर के साथ इनका रेजिस्टेंस घटता है। बस जैसे ही मैं इसमें वोल्टेज को अप्लाई करूँगा मेरी करंट दोनों डायरेक्शंस में जाएगी, डायरेक्शन ए में भी जाएगी, डायरेक्शन बी में भी जाएगी। अब जैसे ये करंट दोनों में जाएगी सो जो मेरा सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर कुछ भी नहीं होता, प्योर चीज़ आपको आइडियल चीज़ कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, आप चाहे कोई भी चीज़ ले लो। तो जैसे ही करंट मेरे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जाएगी वैसे ही उसके अंदर जो लॉसेस हैं वो बढ़ेंगे। बढ़ेंगे क्या मतलब, आई स्क्वायर आर लॉस जो होंगे वो होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा है उसकी हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने से क्या होगा, जो उसका टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। अब रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो इसकी करंट है वो फिर से बढ़ेगी। करंट बढ़ने की वजह से जो अब फिर से अब ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे फिर मेरी आई स्क्वायर आर लॉसेज, यानी कि मेरा आर बढ़ेगा क्योंकि लॉसेज में मेरा आई स्क्वायर आर होता है, बट आर मेरा बढ़ेगा सिंगल टर्म में लेकिन आई मेरा स्क्वायर में बढ़ेगा, फिर मेरा लॉस बढ़ जाएगा। अब फिर लॉस बढ़ेगा तो फिर से मेरी हीट जनरेट होगी, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, करंट बढ़ेगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू, इसी को बोलते हैं रीजनरेटिव कोफिशियंट। सो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से जो हमारा एलिमेंट लगा हुआ है या कह सकते हैं कंपोनेंट लगा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे हीट सिंक्स का यूज़ करते हैं। इसका अगर आपको कहीं भी एक्सप्लेन करना हो इस चीज़ को सो आपको ऐसा एक्सप्लेन करना है कि ये पूरा प्रोसेस आपको बताना है, तब जाके इसका एक सही आंसर बनता है। सो ये पूरा मेथड लगा के इस वजह से हीट सिंक्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर आपको सिंपल शॉर्टकट भाषा में इसका आंसर देना है तो शॉर्टकट भाषा में आंसर ये है कि हीट सिंक्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी घटती है, इसकी वजह से हमारे जो आई स्क्वायर लॉसेस हैं वो कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। सो इसकी वजह से जो हमारा रीजनरेटिव सिस्टम है वो कंटिन्यू बढ़ जाता है। सो इसकी वजह से हम हीट सिंक्स का यूज़ करते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं सो अगर वो पैरेलल में लगा हुआ है तो हमें हीट सिंक्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, अगर वो सीरीज में लगा है तो हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पे करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है लेकिन यहाँ पे करंट दो डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसलिए हम हीट सिंक्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया कि हीट सिंक्स का यूज़ करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार प्लीज़, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही कमाल के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।